देख रेख न्यूज 24 आपको बता दे, चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों के बीच जो अनबने चलती है, ये कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ा खेला हो सकता है। एक तरफ पशुपति पारस का दिल्ली में बैठक जारी है बड़े कद्दावर नेताओं के साथ, तो इससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा असर है। इसी बीच खबरें निकलकर ये भी सामने आ रही है कि आरएलजेपी की प्रदेश कमेटी भी भंग हो चुकी है। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, आज हम तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी इस वक्त विकास जी मौजूद है। विकास, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पशुपति पारस जो हैं वो लगातार अब बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकातें चल रही है। चिराग पासवान इसको लेकर नाराज भी चल रहे हैं कि बीजेपी के बड़े नेताओं से इनकी मुलाकातें क्यों हो रही है, बीजेपी आखिरकार अब पशुपति पारस को इतना महत्वपूर्ण अंग क्यों बताने लग गई है। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो इस वक्त काफी ज्यादा बिहार में गर्म हो गई है। लेकिन जिस तरीके से पहले बिहार के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो है वो पशुपति पारस से आधी रात को मुलाकात करते हैं और उसी के चंद दिनों बाद फिर दिल्ली में अमित शाह के साथ पशुपति पारस की बड़ी बैठक जिसमें प्रिंस राज जो है वो भी मौजूद होते हैं। और बैठक किस मुद्दे पर होती है, तो बिहार विधानसभा को लेकर बैठक होना, यानी कि साफ साफ चिराग पासवान को बड़ा झटका बीजेपी की ओर से दिया गया। लेकिन चिराग पासवान का जो कड़ा रुख इस वक्त बीजेपी के लिए है वो बीजेपी को परेशान कर रही है। और बीजेपी अब समझ चुकी है कि भतीजा ना सही तो चाचा ही सही। लेकिन इसके बीच में जिस तरीके से पशुपति पारस ने बिहार में बड़ा एक्शन लिया है, पशुपति पारस ने अपने प्रदेश कमेटी को भंग किया है और तमाम प्रदेश कमेटी के जो भी संस्था होती है सभी को एक साथ भंग किया गया है। यानी कि अब पशुपति पारस जो है वो पूरे तरीके से एक्टिव हो गए हैं, प्रिंस राज जो है वो पूरे तरीके से एक्टिव हो गए हैं। देखिए, एक तरफ भतीजा चिराग पासवान जो है वो कहां पर बैठक किए, कार्यकारिणी बैठक रांची में करते हैं, जहां पर चिराग पासवान को एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। लेकिन पशुपति पारस क्या किए, अपना सब कुछ भंग कर दिए हैं। यानी कि अब पशुपति पारस जो है नए सिरे से शुरुआत करने जा रहे हैं। विकास जी, लेकिन इसके पीछे का मेन कारण क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रदेश कमेटी भंग करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। देखिये, जो हमें जानकारी मिल रही है, जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि जो पार्टी में भगदड़ मची हुई थी, जो लोग ये कह रहे थे, पार्टी के ही लोग जो घात कर रहे थे, पीठ पीछे जो आघात में पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, उन लोगों को अब पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। जो लोग इधर से उधर हो रहे थे उन लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। और अब पशुपति पारस और प्रिंस राज जो है अपने भरोसेमंद नेताओं पर भरोसा करते हुए उन्हें अब कमेटी का हिस्सा बनाया जाएगा उन लोगों को। यानी कि साफ तौर पर जिस तरीके से एक वक्त आया था जब चिराग पासवान इसी तरीके से अपना पार्टी बनाने के बाद संगठन बनाए और संगठन बनाकर आज आसमान छू रहे हैं, तो अब उसी रास्ते पर चाचा भी चल दिए हैं। अब चाचा ने भी अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है, अपना सब कुछ भंग कर दिया है और भंग करके अब नए सिरे से शुरुआत कर रहे हैं। क्या नए चेहरे भी इसमें शामिल होंगे, क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पुराने चेहरे को अगर हटाने के लिए अगर ये सब कुछ किया गया है तो आपको बेहद जल्द अब पशुपति पारस के टीम में नए लोग नजर आएंगे, नई शक्ति नजर आएगी। जिस तरीके से इस वक्त चिराग पासवान जो है युवा शक्ति के लिए काम कर रहे हैं, युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो अब पशुपति पारस भी ये अच्छे से समझ चुके हैं कि अगर 25 में सरकार में आनी है, 25 में विधायक को जीत दर्ज कराना है तो युवाओं के साथ जुड़ना होगा। ऐसे में आपके पार्टी में सबसे ज्यादा पुराने लोग हैं, जो सबसे ज्यादा जो है वो राजनीति ज्ञान वाले लोग हैं, लेकिन वो युवाओं से टच नहीं कर पाते हैं, युवाओं के साथ उठना बैठना नहीं हो पाता है, क्योंकि आपके टीम में यंग लोग नहीं है, यंग की कमी है। और इसी कमियों को देखते हुए अब पशुपति पारस जो है बेहद जल्द एक अच्छा एक युवा पार्टी को गठन करेंगे और उन लोगों को टास्क मिलेगा कि अब आप हर जिले में जाइए, बूथ लेवल पर जाइए और बूथ लेवल पर जाकर पार्टी को मजबूत कीजिए। देखिए, पार्टी जो भंग हुआ है यहाँ प्रदेश में, उसमें क्या कुछ हुआ है, उसमें सीधा सीधा प्रिंस राज पहले बैठक करते हैं जिसमें तमाम जिला अध्यक्षों को बुलाया गया था। उसके बाद जायसवाल जी से मुलाकात,
अमित शाह से मुलाकात, और उसके बाद ये बड़ा कदम कि प्रदेश लेवल की जो जो भी संगठन थी उसे भंग कर देना, कमेटी को भंग कर देना। तो ये बड़ा एक्शन लिया गया है, और ये एक्शन जो है अब कितना फायदेमंद साबित होता है पशुपति पारस के लिए, उनकी पार्टी के लिए, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से इस वक्त बीजेपी का सपोर्ट मिला है पशुपति पारस से, यानी कि एक संजीवनी बूटी अगर हम कह ले तो वो पशुपति पारस और उनकी पार्टी को मिली है, जो डूबता हुआ पार्टी इसे कहा जाता था। बिल्कुल बिल्कुल, कहा लोकसभा चुनाव के बाद तो और भी ज्यादा, बिल्कुल से वो अपने उम्मीदवारों को उतारते हैं लेकिन वहां से जीत हासिल नहीं कर पाते। वहीं उनके कहा जाए तो भतीजे चिराग पासवान किस तरह से उभर कर निकले, इसके बाद पशुपति पारस को बड़ा झटका लगा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अभी देख लीजिए कि बीजेपी के बड़े कद्दावर नेताओं के साथ उनका उठना बैठना बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन प्रिया जी, आपको ये भी देखने का बात होगा कि लगातार भतीजा यानी कि चिराग पासवान क्या कुछ बयां कर रहे हैं। चिराग पासवान लगातार कह रहे हैं कि चाचा एनडीए का हिस्सा नहीं है, इतना सब कुछ होने के बाद, इतना बैठक अमित शाह से होने के बाद में फिर भी कहा जा रहा है कि चाचा एनडीए का हिस्सा नहीं है, यानी कि अभी जो है दाल में कुछ काला है या पूरी दाल काली है, इसका इंतजार करना होगा। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें बिहार में चुनाव के, 2025 चुनाव के तहत, तो इस वक्त बिहार में दो पार्टी जो है सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है, तो एक चिराग पासवान की पार्टी है, एक पशुपति पारस की पार्टी है, और दोनों पार्टी जो है पूरी तरीके से कमर कस लिए हैं कि अब उन्हें आगे क्या कुछ करना है। लेकिन कमेटी भंग तो हुई है, अब नए सिरे से गठन होगी, नए सिरे से गठन होगी तो चुनौती अभी भी बहुत है। देखिए, एक समय लोकसभा में ही क्या हमें देखने को मिला था कि जब चिराग पासवान के पार्टी में टिकट का बंटवारा नहीं हुआ, जिन लोगों आस लगा के बैठे थे उन्हें टिकट नहीं मिला, तो एक भगदड़ मची थी चिराग पासवान की पार्टी में, और चिराग पासवान के बड़े बड़े नेता जो थे चिराग पासवान का साथ छोड़कर चले गए थे। उसके बाद भी चिराग पासवान खड़े रहे, लेकिन अब पशुपति पारस को उसी तरीके से खड़ा होना होगा। अब पशुपति पारस के पार्टी में जो भगदड़ मची थी, उस भगदड़ को रोकने के लिए आपने कमेटी भंग तो कर दिया, नए सिरे से गठन करने का ऐलान भी कर दिया, लेकिन नए सिरे से जब आप गठन करेंगे, नए लोगों को मौका देंगे, तो पुराने लोग कहीं साथ न छोड़े, दामन न छोड़े, ये भी आपको देखना होगा। और उसका असर पूरा बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए अभी चुनौती पशुपति पारस के पास बहुत कुछ है। अब पशुपति पारस को खोने के लिए और कुछ नहीं बचा है, क्योंकि वो अपना सब कुछ खो चुके हैं। अब पशुपति पारस को नई सिरे से शुरुआत करनी है, यानी कि पाने की चाहत है, तो पाने की चाहत है, तो आपको जब नए लोगों को मौका देंगे तो आपको ये भी ख्याल में रखना होगा, आपको ये भी देखना होगा कि जो पुराने भरोसेमंद लोग हैं, जो उस कमेटी के हिस्सा थे, जो इस कमेटी को आपने भंग किया, वो नाराज ना हो जाए नए लोगों के आने से, वो कहीं मोर्चा ना आपके खिलाफ खोल दे, और जो पाने की चाहत है, उस पाने की चाहत में कहीं आपके जो नाव है वो कहीं और ना डूब जाए, तो ये भी आपको ख्याल रखना होगा। और तमाम मुद्दों को देखते हुए आपको एक ऐसी रणनीति तैयार करनी होगी जिस रणनीति में सब फिट बैठे, कोई इधर उधर ना हो, और जिस तरीके से इस वक्त आपके पार्टी में भगदड़ मची है, वो भगदड़ पूरी तरीके से रोकनी होगी। लेकिन विकास जी, एक तरफ है पशुपति पारस के हनुमान कहा जाए श्रवण कुमार का दावा है कि एनडीए का हम साथी है, इस तरह का दावा है। चिराग पासवान भले ही आए दिन कह रहे हैं कि पशुपति पारस जो है एनडीए का हिस्सा नहीं है, लेकिन श्रवण कुमार का साफ तौर पे कहना है कि हम एनडीए के हिस्सा नहीं है, तो हमें क्यों आए दिन दिल्ली में बुलाया जाता है, बैठक किया जाता है, हमें बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भी आगमन किया जाता है, सक्रिय से चुनाव लड़े, और पीएम मोदी के सपने को भी हम अपनी सपना मान रहे हैं। देखिए, जो लोग कहते हैं कि पशुपति पारस जो है वो एनडीए का हिस्सा नहीं है, तो उन लोग थोड़ा सा अगर पीछे चले जाए, यानी कि लोकसभा चुनाव के तहत में अगर चले जाएंगे, तो जहां जहां मोदी जी का कार्यक्रम रहा वहां वहां चिराग पासवान के साथ में पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा और जो पार्टी के लोग थे जितेन राम मांझी, तमाम ऐसे नेता नीतीश कुमार, ये सब मौजूद रहे मंच पर। अब मंच पर मौजूद तो रहे, लेकिन साथ साथ में इनका बैनर पोस्टर भी लगा, यानी कि मोदी जी के पीछे जो बड़े बड़े बैनर लगाए गए,
उस बैनर में तो आपको पशुपति पारस नजर आ रहे थे। अगर पशुपति पारस एनडीए का हिस्सा नहीं रहते तो बैनर में भी नहीं रहते, पोस्टर में नहीं रहते, मंच पर नहीं रहते। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए नामांकन करने जा रहे थे तो उस समय जो एनडीए के बड़े नेताओं को न्योता गया हुआ था, देश के मतलब तमाम राज्यों के सीएम को न्योता गया हुआ था कि प्रधानमंत्री जी का नामांकन करना है, उसमें आप लोगों को भी शामिल होना है, तो उसमें पशुपति पारस जी भी ने भी हिस्सा लिया था, इनको भी न्योता गया हुआ था। तो अगर ये एनडीए का हिस्सा नहीं है तो इन्हें न्योता क्यों आया था? बिल्कुल। तो ये घेरने का तरीका है, कटाक्ष करने का तरीका है, ठीक है, ये सबका अपना अपना तरीका है, लेकिन पशुपति पारस एनडीए का हिस्सा है, ये सभी को पता है। पशुपति पारस हमेशा से देखिए शांत स्वभाव के रहे हैं, पशुपति पारस हमेशा नॉर्मल रहे हैं। पशुपति पारस उस समय भी कुछ नहीं बोले जब उन्हें टिकट नहीं दिया गया, उनके पांचों सांसदों का टिकट काट दिया गया था, उस समय भी ये खामोश थे, लेकिन अब पशुपति पारस करा रुख अपना रहे हैं। अब पशुपति पारस ने साफ तौर पर कह दिया है कि उचित सम्मान अगर नहीं मिला 25 में तो हम हर सीट से अपने उम्मीदवार को उतारेंगे। और ये बात बीजेपी को समझ में आ गया है कि अगर हर सीट से उम्मीदवार उतरेगा तो ये भी पासवान समाज के ही नेता हैं, रामविलास पासवान जी के ही भाई हैं, उन्हीं के खून है, असर तो होगा बिहार में। ये भी माना जाता है कि रामविलास पासवान जी के बाद पशुपति पारस ही पासवान के नेता हैं। भले चिराग पासवान अभी आए दिन उभरे हैं या फिर कहा जाए तो उनकी जय जयकार हुई, ज्यादा फैंस फॉलोइंग बढ़े क्योंकि वो एक युवा चेहरा है, लेकिन अगर राजनीति के ज्ञान की बात की जाए, बड़े बुजुर्ग की बात की जाए तो रामविलास पासवान के बाद पशुपति पारस ही हैं। बिल्कुल, देखिए रामविलास पासवान जी का जब तबियत खराब हुआ, मैं खुद हाजीपुर से हूं तो मुझे अच्छे से पता है, जब हाजीपुर सांसद चुनने का समय आया कि अब हाजीपुर में किसे रामविलास पासवान जी चुनावी मैदान में उतारेंगे, क्योंकि उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो पशुपति पारस को चंदन टीका लगाकर इन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया था। यानी कि रामविलास पासवान ने भरोसा किस पे किया? पशुपति पारस पे किया, अपने भाई पे भरोसा किया। उस समय चिराग पासवान कहाँ के सांसद हुआ करते थे? जमुई के। अगर चाहते रामविलास पासवान जी तो जमुई से चिराग पासवान को न उतार के हाजीपुर से उतार देते। पशुपति पारस को कहां से उतार सकते थे? जमुई से उतार सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? ऐसा नहीं किया, वो अपना स्थान अपने भाई को दिए, यानी कि वो अपना उत्तराधिकारी चुने तो पशुपति पारस को चुने अपना उत्तराधिकारी में। तो सभी को ये बात पता है, भले ही लोग कहे कि नहीं पशुपति पारस कुछ भी नहीं है, लेकिन पशुपति पारस अभी भी पासवान समाज के नेता है, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के भाई है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने अगर किसी को चुना अपना उत्तराधिकारी तो पशुपति पारस को ही चुना और हाजीपुर से सांसद बनाया था। अब ये सब कुछ देखते हुए बीजेपी को ये समझ में आ गया है कि चिराग पासवान जो है वो कभी भी करा रुख अपना सकते हैं, चिराग पासवान कभी भी पलट सकते हैं, चिराग पासवान कभी भी कुछ ऐसा हरकत कर सकते हैं जो एनडीए को नुकसान पहुंचाए, क्योंकि सीधा सीधा चिराग पासवान अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और पशुपति पारस जो है वो कुछ भी करेंगे तो एनडीए को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब यही कारण है कि बीजेपी को समझ में आ गया है कि पशुपति पारस भले ही ओल्ड हो गए हैं लेकिन गोल्ड हैं, उन्हें अपने साथ ही रखिए, सीट दीजिए विधानसभा में और इन्हें भी चुनावी मैदान में उतारे, ताकत झोंकी जाएगी, जीत मिलेगी। तो जैसा कि अभी आपने विकास जी को सुना, हमने कई मुद्दों पर बात किया, जिस तरह से बिहार विधानसभा में जो खेला हो रहा है और कहा जाए तो जो आए दिन दिल्ली में बैठक जारी है, ये भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। पशुपति पारस, जिस तरह से विकास ने बताया कि रामविलास पासवान जी अपना किसी को उत्तराधिकारी माने भी थे तो वो पशुपति पारस ही थे, यानी राजनीति के ज्ञानी माना जाए तो पशुपति पारस है। लेकिन अब जो नई कमेटी की गठन होगी उसमें कौन नए चेहरे आएंगे ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। तब तक लिए आप बने रहिएगा, इजाजत लेना चाहूंगी, धन्यवाद।